मेरे फैमिली में सब लोगों को लगता था कि ये बस इसका क्या चल रहा है ये आठ दस साल हुए बार बार यही आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग सुबह शाम वही आर्ट ऑफ लिविंग सब कुछ एकदम ठीक ठाक है वेल well सेटल है पूरी फैमिली सब लोग बड़े अच्छे हैं अपने अपने कारोबार में बिजी रहते हैं मैं भी अपने इसमें बिजी रहकर भी इसके लिए भी बहुत सारा समय देता रहता हूँ तो सबको लगा कि ये बहुत ज्यादा पागल हो रहा है इसमें बहुत डूब रहा है तो मेरे पिताजी मेरे भाई ये सब लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई तेरा ये बंद कर अब और उससे पहले मुझे ये कहने से पहले वो हर यात्रा करने के लिए दुबई गए थे मक्का मदीना गए थे सऊदी में वो जब वहां से आए तो आकर उनको लगा कि ये बस हो गया इसका अभी बंद कर देना चाहिए तब वो मुझे आकर कहने लगे कि बंद कर और मुझे लगा कि अब इनकी बात नहीं पिताजी की बात को हम नहीं टाल सकते तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार सिर्फ गुरु जी से मिलकर आता हूँ फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा तो उन्होंने कहा ठीक है तो मैं गुरुदेव से मिलने बेंगलोर गया गया तो वहां पे ऐसे ही हमेशा की तरह इतनी सारी भीड़ आर्ट ऑफ लिविंग का हर एक बंदा गुरुजी से ही मिलना चाहता है उनको ही देखना चाहता है तो इतनी भीड़ में और एडवांस कोर्स का लास्ट दिन था तो गुरुजी वीएम में सबको एक एक को ऐसे दर्शन देते हुए घूम रहे थे और फिर मैं भी गुरु जी के पीछे घूम रहा हूँ उनसे कुछ कहना था मुझे कि घर वाले ऐसे कह रहे हैं अब मैं क्या बताइए गुरु जी ऐसे मैं मन ही मन सोच रहा हूँ पीछे घूम रहा हूँ गुरु जी के पास कहां समय गुरु जी तो अपना एक एक को दर्शन देते हुए आगे चल रहे तो किसी ने कहा कि गुरु जी ये बहुत देर से आपके पीछे घूम रहा है तो गुरु जी ने ऐसे देखा अरे हाँ हाँ आ जा आ जा आ ऐसे गले में लगाया पास लिया और तुरंत गुरु जी निकल गए तो मैं सोच रहा हूँ कि गुरु जी मुझे कुछ कहना है आपसे आप मेरी बात सुनो तो सही मुझे कुछ कहना है मैंने कभी आपसे कुछ नहीं पूछा इतने दस सालों में मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा मुझे एक बार मौका दीजिए मुझे कुछ कहना है मन ही मन ही बस ये सब चल रहा है गुरु जी सबको दर्शन देते हुए घूम रहे मुझे पता चला कि गुरु जी यहाँ से वीएम से निकल कर अपने यज्ञशाला में जाने वाले हैं तो मैं है मैं वहां जाकर खड़ा हो गया वहां खड़ा हुआ तो एक घंटे बाद गुरुजी सबको दर्शन देकर उस दरवाजे की तरफ आए फिर मुझे देखा और कहा तो फिर से आ गया चल फिर ऐसे हाथ हाथ में लिया और फिर हम वी एम से यज्ञाला था गुरुजी और मैं हम दोनों ही चल रहे हैं। और साइड से ऐसी लाइन लगी हुई लोगों के दर्शन के लिए तो गुरुजी और मैं चल रहे हैं गुरुजी मुझे चलते चलते पूछते पूछ रहे हैं कि तुझे मक्का मदीना काबा पता है मैं कह रहा हूँ हाँ गुरु मुझे पता है अच्छा तुझे ये पता है कि वहाँ काबे का दरवाजा हमेशा बंद होता है हाँ गुरु जी मुझे पता है तुझे ये पता है उसकी चाबी किसके पास होती है तो मैं कह रहा हूँ नहीं गुरु जी मुझे नहीं पता अरे वहादी का सऊदी का जो किंग है वहां का जो राजा है उसके पास उसकी चाबी होती है तुझे पता है ये नहीं गुरु जी अच्छा अच्छा तो वहां के राजा के पास उसकी चाबी होती है और वो साल में एक ही बार खुलता है ये पता है तुझे मैं कह रहा नहीं गुरु जी मुझे नहीं पता तो वहां का जो राजा है ना उसकी बेटी अपने आश्रम में आई थी आर्ट ऑफ लिविंग के और उसने अभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और अब वो सऊदी में जाके लोगों को कोर्स सिखाती है दुबई में तुझे पता ही है ये मैं रहा, नहीं गुरु जी मुझे नहीं पता तो गुरुजी कह रहे तुझे ये पता है कि मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ <laughs> नहीं गुरु मुझे क्यों बता रहे आप तो फिर गुरु जी कह रहे तेरे घर वालों को जाके बता कि सऊदी का जो किंग है उसकी बेटी है, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है तब मुझे क्लिक हुआ कि गुरु जी मुझे यही तो पूछना था कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैं ये सब बंद करूं मैं उनको क्या जवाब दू मेरे प्रश्न पूछने के पहले ही गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया जब मैं घर आया तो घर आने के बाद भी घर वालों का सबका मन परिवर्तित हो गया वो सब कहने लगे कि कि सुना है तू तो अच्छा ही काम कर रहे थे तेरे दोस्त बता रहे थे और पुनः वो साइड में भी तेरे एक बार फोटो लगी थी कोर्स के किसी बंदे ने लगा दिए होंगे तो मेरे पिताजी कह रहे कि दोस्तों ने बताया कि तू तो अच्छा ही काम कर रहा है तो ठीक है करता रहे तो ऐसे ये यही ग्रेस नहीं तो और क्या है ऐसे थोड़ी ना कहीं हो सकता है इस ग्रेस के बिना ये हो ही नहीं सकता ऐसे बहुत बार मुझे अलग अलग अनुभव आए पर ये अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया दो तीन साल पहले का <laughs>